गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और हम आज नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोलस्का। इसके पहले हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, अब आज हम मोलस्क स्टार्ट कर रहे हैं। मोलस्का का एक्चुअली मीनिंग होता है सॉफ्ट, मोलस्कस जिनको बोलते हैं हम। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो इस किंगडम में या इस फाइलम में एक्चुअली ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जिनकी स्किन के ऊपर एक थिक लेयर होती है या कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, या ऐसे एनिमल्स की बॉडी जो होती है जनरली सॉफ्ट होती है और एक कवर के अंदर इनक्लोज्ड होती है जिसको हम बोलते हैं शेल। तो इन एनिमल्स को बोला जाता है मोलस्क। अब हम मोलस्क के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर आपने इसके पहले के कैरेक्टरिस्टिक्स या पहले के फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देखे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और दूसरा इनका बॉडी जो होती है उसका ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी तो सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और दूसरा ये होता है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब बॉडी जो होती है वो थ्री जर्मिनल लेयर से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस एंड मेसोडर्मिस। बॉडी जो होती है वो बेसिकली बाइलेट्रिकल सिमिट्रिकल होती है, दोनों तरफ से समान होती है, कॉइल्ड होती है, मतलब कि अंदर की तरफ आपने देखा होगा जैसे कि पाइला नहीं बोल सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं उसको लिम्निया या शंख। आपने कभी देखा हो तो शंख के अंदर जो एनिमल होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉइल्ड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा शंख के ऊपर भी कॉइल्स बने होते हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको डायग्राम में। इनकी बॉडी जो होती है वो उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर की तरफ इनमें कैल्केरियस शेल होता है। कैल्केरियस शेल का मतलब ये होता है इनका जो शेल होता है, जैसे सीपिया आपने देखा होगा जिसमें पर्ल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो हार्ड पार्ट उसका होता है जिसको शेल बोलते हैं, तो शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए उस शेल को बोला जाता है कैल्केरियस। वो शेल जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें इनर साइड पर भी होता है जैसे कि ऑक्टोपस। तो मोलस्क फाइलम में ही आता है ऑक्टोपस। इसमें सिलोम जो होती है रिड्यूस्ड हो जाती है थोड़ी, जो कि कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, गोनोडियल कैविटी से लेकर, मतलब पेरिकार्डियल कैविटी भी प्रेजेंट होती है, गोनोडियल कैविटी भी होती है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीट होती है, बट इसके अंदर फूड को च्यू करने के लिए, मतलब चबाने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेड्यूला। इस रेड्यूला पर टाइनी टीथ लगे होते हैं, ये टाइनी टीथ जो होते हैं फूड की च्यूइंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स या लंग्स के थ्रू होता है, दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, मतलब जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन हार्ट और वेसल्स के बीच में होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो मेटानेफ्रिडिया के थ्रू होता है। नर्व सिस्टम जो होता है वो गैंग्लियन में बनाता है, गैंग्लियन मतलब नर्व्स की जो बंच जो होता है उसको गैंग्लियन बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, और जनरली अगर देखा जाए तो जेनाइटल डक्ट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट होता है, मतलब कभी कभी इसमें लार्वास भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ही स्पीशीज़ में होते हैं इसमें। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें मोना प्लेक्टिलोफोरा, प्लेकोफोरा, ये जो होते हैं बायलिट्रिकल सिमिट्रिकल होते हैं, बॉडी फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, 5 to 6 पेयर इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रिडियाज भी प्रेजेंट होते हैं। एप्लेकोफोरा वॉर्म लाइक बॉडी होती है, मतलब सिलेंड्रिकल लॉन्ग बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर शेल होता है, मेंटल भी बोलते हैं उसको, और इसमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। और पॉलीप्लेकोफोरा बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटी होती है, हेड जो होता है रिड्यूस्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है या नहीं भी होता है, उसमें टेंटेकिल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें शेल जो होता है उस पर कैल्केरियस प्लेट होती है, 8 कैल्केरियस प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होती है। इसके एनिमल्स देख लेते हैं पहले, ये काइटोन है, चिटोन भी बोलते हैं इसको, ये इसका डॉर्सल व्यू है मतलब ऊपर की तरफ से, और ये अंदर का व्यू है जिसमें ये इसका एनिमल ये है, इसका माउथ वाला पोर्शन है और ये एनस वाला पोर्शन, और ये कैल्केरियस बॉडी है इसमें।
और दूसरा है ये डेंटेलियम, जो आगे हम पढ़ेंगे डेंटेलियम के बारे में। ये एक पाइप लाइक शेल में कवर रहता है और शेल दोनों तरफ से ओपन रहता है। ये इसका माउथ वाला पोर्शन है। यह आपने देखा होगा स्नेल पाइला बोलते हैं, घोघा भी बोलते हैं हिंदी में। और इसमें जो होते हैं ये सेक्शंस दिख रहे होंगे आपको, सेक्शंस होते हैं जो एज के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके बड़ा होता जाएगा तो ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है एक लिक्विड रिलीज होता है। ये लिक्विड एयर के कॉन्टेक्ट में आकर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये होता है यूनियो। इसमें ये फूट है, पैर होते हैं इसके, और इसमें जो होता है लाइन बनी होती है। लाइन्स जो होती है इसके एज को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसका एक एक्सेप्टेशन है ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं। 8 आर्म्स होती है इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टोपस। और इसके आर्म्स में क्या लगे होते हैं, इसके आर्म्स में लगे होते हैं वैक्यूम लाइक सकर्स लगे होते हैं, जो किसी भी चीज़ पर एडिशन का वर्क करते हैं, अटैच होने का वर्क करते हैं। वो इसमें जो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ये बॉडी है, ये फनल है जिससे इंक रिलीज करता है। ये प्रीडेटर से बचने के लिए, किसी अन्य एनिमल से बचने के लिए इससे एक ब्लू कलर की इंक को रिलीज करता है। और इसमें फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। पॉलीप्लेकोफोरा का हम पढ़ रहे थे, तो फ्लैट मस्कुलर फूट होता है इसमें, जैसे काइटोन में। मेंटल कैविटी होती है दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। और एंटीरियर कैनाल जो होती है वो कम्प्लीट होती है, मतलब रेड्यूला भी इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब टीथ जो होते हैं टाइनी टीथ, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक टीथ जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। जाता है स्केफोपोडा। बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, जैसे डेंटेलियम की हमने देखी थी लॉन्ग थी इस तरह से। सिलेंड्रिकल लंबी होती है। इसकी आउटर कवरिंग शेल होती है जो दोनों तरफ से क्लोज होती है। और हेड एब्सेंट होता है इसमें, पर आई भी इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ के आसपास टेंटिकल्स होते हैं। आईज भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, बट ये जो है किसी चीज़ से इस टेंटिकल्स के थ्रू ही सेंसेस का काम होता है। गिल्स एब्सेंट होते हैं। फूड जो होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। फिर आता है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो सिमेट्री होती है एनिमल्स की वो कैसी होती है, बॉडी एसिमेट्रिकल होती है, मतलब कि ये कैसे भी मुड़ सकते हैं। जैसे पायला सॉफ्ट बॉडी है तो ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल ही होगी। कॉइल्ड होती है, मतलब कॉइल बना होता है, टॉर्शन होता है, प्रोटेक्टेड बाय कॉइल शेल्ड शंख, मतलब कि जो कॉइल शेल है उसके अंदर ये बंद होता है। हेड इसका वेल डेवलप्ड होता है, जिस पर आईज और टेंटेकल्स होते हैं। फूट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, मतलब इनमें पैर बना सकते हैं, पर बॉडी एसिमेट्रिकल है। पर बॉडी समझ में नहीं आई कि आपको किसका माउथ किधर है क्लियरली। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और रेड्यूला भी इसमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स भी हो सकता है और लंग्स भी हो सकता है। नर्व सिस्टम में 4 पेयर ऑफ गैंग्लियाज होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स एक बंच बनाती है, तो उससे क्या बन जाते हैं गैंग्लिया। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, जैसे पाइला आता है इसमें। और पहले साइपोडा अगर देखें तो बॉडी जो होती है लेटरली कंप्रेस्ड होती है, जिसको हम हैच्ड फूड भी बोलते हैं। और बाइवॉल्व शेल होता है, मतलब दोनों तरफ से शेल ओपन होता है। और ऑल्सो नॉन इसको हम बाइवॉल्विया भी बोलते हैं, इसको बाइवॉल्विया भी बोला जाता है। हेड टेंटिकल्स आई जॉज ये सब एब्सेंट होते हैं। और इसमें ये फिल्टर फीडर होता है। फिल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि पानी के साथ, पानी को ये बॉडी के अंदर लेता है तो उसके साथ अगर कोई इंसेक्ट आता है तो उसको ये खा लेता है, तो इसको फिल्टर फीडर बोलते हैं। जैसे जैसे पानी अंदर आता है और इंसेक्ट आ गया उसके साथ, तो उसी को ईट कर लेता है। ये फूट लाइक हैचेज होते हैं इसमें और यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल एक में ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको वेलिगर बोलते हैं या ग्लॉकिडियम, एक्चुअली उसको बोला जाता है ग्लॉकिडियम, ये पढ़ा भी है मैंने इसके बारे में, ग्लॉकिडियम लार्वा। फिर इसका एग्जांपल जैसे यूनियो है, तो यूनियो हमने देख लिया है। सिफेलोपोडा, बॉडी जो होती है इसकी डॉर्सो वेंट्रली इनक्लोज्ड होती है, मतलब बंद होती है। और शेल एक्सटर्नल और इंटरनल एब्सेंट होते हैं। हेड जो होते हैं वेल डेवलप्ड होता है, हेड पूरी तरीके से। और आई जो होती है बड़ी होती है, जैसे कि ऑक्टोपस देखा है आपने। फूड सराउंडेड बाय हेड, मतलब फूड जो होते हैं हेड के आसपास होते हैं। और बहुत सारी आर्म्स होती है लिखा हुआ है,
ऑल द साइड्स एंड हैव मेनी आर्म्स विद सकर्स, और क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स, जिससे कि ये किसी भी चीज़ से अटैच हो सकते हैं। मान लीजिए शिप है, शिप के ऊपर चढ़ना है तो उससे अटैच हो जाएंगे, हमें बॉडी पे भी चढ़ सकते हैं कहीं पर भी। रेडियोला इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि चीविंग नहीं करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट हो जाता है, इसमें कोई लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मोलस्क एनिमल्स थे, इनको पढ़ने का एक्चुअली उद्देश्य क्या होता है, इनका एम ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, या ऐसा कहें हम किसी फाइलम के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि पहले एक्चुअली देखा जाए तो एनिमल्स और हम में कंपेयर अगर हम करें तो क्या चीज़ें सिमिलर है और क्या चीज़ें डिससिमिलर है। तो इससे हमको डेवलपमेंटल चीज़ें पता चल सकती है, अगर हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ने का एक्चुअली एम हमारा यही होता है कि हमको डेवलपमेंट पता चल जाता है कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है, हम डायरेक्ट नहीं बने हैं, हम कहीं ना कहीं इनसे इंटरलिंक हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसको सबसे पहले जैकब ने इस फाइलम को क्लासिफाई किया था, मतलब बताया था इसके बारे में, और इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें इकाइंस प्रेजेंट होते हैं। इकाइन का मतलब होता है स्पाइंस और डर्मा मतलब स्किन, मतलब कि जिसमें स्किन पर स्पाइंस कांटे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं इकाइनोडर्मेट्स। तो इसके क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट यही आता है, इकाइन मतलब स्पाइंस कांटे और डर्मा मतलब कि स्किन, तो इसको बोलेंगे हम इकाइनोडर्मेटा। कि बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड, मतलब कि सेगमेंट नहीं होते हैं, सर्कुलर और स्फेरिकल और स्टार शेप्ड होती है। तो अब नाम से ही स्पष्ट हो गया स्टार शेप, मतलब इसमें कौन सी फिश आएगी, स्टार फिश। लार्वल स्टेजेस जो होती है वो एक तरह से कभी कभी एडल्ट में शो हो जाती है, और पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब पांच भागों में बटी हुई इनकी बॉडी होती है। तो आपने स्टार फिश में देखा होगा उसकी पांच आर्म्स आपको दिख जाएगी, हेड इसमें एब्सेंट होता है पर साइट होती है, एक साइड ओरल बोलते हैं और एक को एबोरल बोलते हैं, और जो पांच पार्ट्स में डिवाइड होती है, एम्बुलेक्रल रीजन्स होते हैं इसमें, टफ बॉडी वॉल होती है क्योंकि बॉडी की स्किन जो होती है वो एंडोस्केलेटन बनाती है, और स्पाइंस लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, और कैलकेरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एंटरोसिलस सिलोम होती है, ट्रूसिलोम होती है इसमें, और इसमें साइनस होते हैं, सिलेटेड पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है, मतलब कि इनको चलने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, ये एक ही जगह फिक्स्ड रहती है। जब इनको चलना होता है तो ये क्या करती है, अपने माउथ में पानी को फिल करती है और उसको तेज़ी से स्प्रे करती है, जिससे कि इसकी बॉडी थोड़ी दूर पर चली जाती है, या फिर ये किसी अदर एनिमल की बॉडी पर अटैच हो जाती है जिससे एक से दूसरी जगह जा सके, इसको वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम बोलते हैं, ट्यूब फिट भी बोला जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो सिंपल स्ट्रेट और या फिर कॉइल्ड होती है, और इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो डर्मल ब्रेंकी के द्वारा होता है, या ट्यूब फीट, मतलब पानी अंदर लेगी तो रेस्पिरेशन कर सकती है, और देर इज़ अ नो ब्रेन इन नर्व सिस्टम, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, और गोनेट्स जो होते हैं बड़े होते हैं साइज में, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब इसमें जो लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होती है, और इसके लार्वा जो होते हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, दे हैव ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। इनमें जो एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया है वो है रीजनरेशन, मतलब इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूटकर अगर अलग हो जाता है तो वो वापस रीजनरेट हो जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो उसको रीजनरेट कर देती है। All are exclusively marine. ये सभी क्या होते हैं, समुद्र में ही होते हैं, मेराइन ही होते हैं, मोस्ट ऑफ स्पीशीज इसकी मेराइन ही है, ओशियन वाटर में ही रहती है। इसका क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी आपको, इसका भी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी क्लासेस इसमें आती हैं। थैंक यू।